हेलो, वेलकम बैक टू हैम इंस्टीट्यूट। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक थ्री स्टोरी फ्लोर प्लान, है ना, ये आप देख रहे हैं। और इसका साइज़ बता दूँ मैं सबसे पहले आपको, 17 फीट है इस प्लॉट का फ्रंट और 50 फीट है इसकी डेप्थ। ठीक है, इसमें जो है पहले हमने 21 फीट ओपन छोड़ा है जो हमारी पार्किंग में आएगा और लैंडस्केपिंग में आएगा। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। के आगे चलने के बाद जो है हमने विंडो के आगे जो है 2 फीट का जो है डेकोरेटिंग एरिया छोड़ा है जहाँ पे प्लांटेशन हो जाएगी। और फिर स्टेप्स के बाद हमने शू रैक दिया है और यहाँ पे अदर चीज़ें भी आप स्टोर कर सकते हैं। फिर आपका आएगा 3.5 फीट का मेन डोर, इससे लेते हैं हम एंट्री। एंट्री के साथ ही हमने दिया है ड्राइंग रूम 12 फीट जिसकी लेंथ है, और ये हमने दिया है क्या कहते हैं स्टोरेज कैबिनेट्स बनाए हैं। और सेंटर में दी गई है LCD और 12x17 का ये है ड्राइंग रूम। L शेप इसमें आप देख रहे हैं सोफ़ा, और वॉल पे लगा दिए पेंटिंग्स, और जो विंडोज़ यूज़ की हैं वो हमने करी हैं UPVC विंडो। ठीक है, और बाकी वॉल पे ये 3-3 फीट की पैनलिंग की है। और आगे चलते हैं, ये दिया हमने डाइनिंग स्पेस। ठीक है, और इससे आगे चलें तो ये जो हमने दिया है स्टोरेज, आपकी बोर्ड की माइका लगी हुई कैबिनेट्स हैं, यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं बुक्स और अदर जो है आपकी वो स्टोर कर सकते हैं एसेसरीज। देन इसके बाद आगे चलते हैं किचन पे। 9 फिट है इसकी डेप्थ, 9x17 की है ये किचन जो है, पूरी मॉडुलर किचन रहेगी। ठीक है, इसमें जो है आपके ऊपर के कैबिनेट्स और नीचे के दोनों आ जाएंगे। ठीक है, इसमें हमने HDHMR बोर्ड यूज़ किया है। अब चलते हैं, देन हम टॉयलेट पर, ये है टॉयलेट का डोर, और टॉयलेट का जो है हमने अरेंजमेंट उस इस तरीके से किया है, ये WC एंड द सिंक। ठीक है, और ऊपर आ गया है वेंटिलेशन। ठीक है, अब बाकी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, ये है हमारा स्टेयरकेस। ठीक है, स्टेयरकेस से अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, स्टेयरकेस पर जो हमने यूज़ किए हैं वो किए हैं पत्थर किया है। ठीक है, और उसे ऊपर चलें तो ऊपर की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, राइट साइड में दिया गया है 12x17 का हमारा बेडरूम। ठीक है, ये है आपका बेडरूम, ये फ्रंट में है, ये हमारा LCD पैनल बना हुआ है, 5 बॉक्सेस आएंगे इसमें पर LCD। ये हमारा UPVC के जो है डोर विंडो आएंगे। एंड देन ये आप बेड रहे हैं, बेड देख रहे हैं, ये पूरा माइका में बना हुआ बेड है HDHMR बोर्ड के साथ। ठीक है, एंड देन अब चलते हैं इससे अटैच टॉयलेट पर, तो 6x9 का ये है टॉयलेट। ठीक है, और इससे आगे चलते हैं तो हमारा जो है बाथिंग एरिया आ जाएगा, ये 4.5x4.5 का हमारा बाथिंग एरिया है। और ये इनकी रिक्वायरमेंट थी बड़े ड्रेसिंग रूम की, तो ये 12 फीट का हमने जो दिया है पूरा ड्रेसिंग रूम है, इसमें सब कुछ आपका स्टोर सब आ जाएगा। अब इसी बेडरूम से चलते हैं बाहर, ये दिया गया है हमने टेरेस, ये पूरा है 21x17 का ये टेरेस है, ये बाउंड्री आपका डिज़ाइन हो गया है। ठीक है, अब वापस चलेंगे अंदर और स्टेयरकेस के थ्रू चलेंगे सेकंड फ्लोर पर। ठीक है, ये आ गई हमारी स्टेयरकेस, सेम वही नीचे से ऊपर वही वही उसी पैटर्न में घूम रही हैं। ठीक है, एंड देन चलते हैं फिर हमारे जो है राइट वाले बेडरूम में। ठीक है, इसमें भी जो है हमने ये इस साइड दे दी है LCD एज़ पर रिक्वायरमेंट, और ये विंडो ये सेम नीचे की जैसा है, और ये हमने जो है टाइल ली है साइड्स में दोनों साइड, और ये हमारा बेडरूम हो गया है। ठीक है, बेड हो गया है, इसमें हमने दी है इसके साथ बालकनी 3 फीट वाइड, नीचे वाले में दिया है टेरेस और इसमें दी है बालकनी। वुडन फ्लोरिंग हमने की है इसमें यूज़, आप चाहे अपनी पसंद से कुछ और भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है आपका सेकंड बेडरूम, इसका साइज़ है 14x17, ये पूरा का पूरा लेंथ में जो है सेकंड बेडरूम है आपका। और अगर आपकी भी रिक्वायरमेंट कुछ इसी तरीके से है तो आप हमें भी भेज सकते हैं, हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है आपका 3D वॉक थ्रू वगैरह सब कुछ बना करके आपको सेंड कर देंगे। देन आप इससे भी काफ़ी रेफरेंस ले सकते हैं, और बाकी आप प्लानिंग हो ये इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी कुछ हो तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी रिक्वायरमेंट फिल कर देंगे आपको।